देवता को तुम्हारी माँ खीर पूरी खिलाती है, लेकिन चोर आता है तो कभी भी वो हल्ला नहीं करता है। सपना ने भी मैं भी तुम्हारी माँ को नहीं कहेगा कि चोर आया है, लेकिन जिसको तुम जूठा खिलाती हो कुत्ता को, कोई आ गया तो हल्ला करेगा। हल्ला करता है तुम्हारी माँ पिताजी समझ जाते हैं कि कोई चोर आया है। पत्थर रखा देवता लड्डू खाई रे, देवता ही ले न डोले, लड्डू भी खा ले पेड़ा भी खा ले। माँ से कुछ मांगती हो, माँ खाना दो, भूख लगी है तो माँ खाना देती है। और देवता स्थान पर जाते हैं, उनको कहते हैं भूख लगी है कुछ खिलाइए, तो क्या बोलते हैं कि बच्चों भूख लगे तो रोटी की जरूरत है कि भगवान की जरूरत है? रोटी की जरूरत है। अगर अगर प्यास लगे तो पानी की जरूरत है कि भगवान की जरूरत है? पानी की जरूरत है। अगर तुम्हारा दम घुटने लगे तो किस चीज की जरूरत है? महात्मा ज्योतिराव फुले का एक स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में उसका एडमिशन हुआ। थोड़ा बहुत पढ़े लिखे, पढ़ने लिखने के बाद फिर आगे बीए तक शिक्षा ली, लेकिन इस बीच में उनको रोका भी गया क्योंकि शूद्र होकर पढ़ रहा है तो ब्राह्मण लोगों जो मनुवादी लोग थे उनको बहुत तकलीफ होता था। उसके बाद धीरे धीरे अपने पत्नी को भी पढ़ाना शुरू कर दिए और एक ऐसा समय आया कि उनकी पत्नी को ने अपना जैसे स्कूल खोली और शूद्रों को पढ़ने के लिए इन्होंने कई विद्यालय खोले। इस दरमियान उनके पिता जो ज्योतिराव फुले थे, ज्योतिराव फुले के पिताजी को ब्राह्मणों ने परेशान करना शुरू कर दिया कि शूद्र भी पढ़ रहा है, इसलिए तुम अपने घर से पति पत्नी को हटा दो, नहीं तो हमको कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। इस आधार पर ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी को घर से निकाल दिया गया और फातिमा शेख नाम की एक मुस्लिम महिला थी, उन्होंने इनको मकान दिया बच्चों को पढ़ाने के लिए। और इस प्रकार धीरे धीरे बहुत सा विद्यालय खुल गया। जब सावित्री बाई फुले बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी तो रास्ते में ब्राह्मण लोगों का घर पड़ता था, वो उनके देह पर गोबर फेंकती थी और छींछी करती थी कि सुधरनी हो करके पढ़ लिख कर मास्टरनी बन गई है, शूद्रों को पढ़ाने के लिए जाती थी। उसके बाद से इन्होंने एक ऐसा अपना तैयार किया कि हम को जो गोबर फेंका जाता है, उन्होंने एक बैग में एक साड़ी पहने हुई थी, दूसरा साड़ी उन्होंने थे और रास्ते में जब इनके देह पर गोबर फेंका जाता था तो चुपचाप चली जाती थी। इसका मतलब वो कहती थी, इसका मतलब बढ़िया काम हम कर रहे हैं, इसलिए हमको गोबर फेंक दे। फिर उधर से औरतें लौटती थी तो वही गोबर वाली साड़ी पहन लेती थी कि घर पर जाकर साफ करती थी। उनका एक रूटीन बन गया कि जब भी वो घर से निकलती थी तो वही गंदी साड़ी पहनती थी और उसके बाद फिर गोबर को पड़ता था, फिर घर पर जाकर के स्कूल में जाकर फिर साड़ी बदल लेती थी। इस ढंग का उनका रोज का प्रोग्राम था। और इन्होंने इतना मेहनत की, इतना इनके शरीर पर गोबर लगा कि समाज में एक ऐसा आंदोलन शुरू हो गया कि गरीब तबके के लोग, शूद्र समाज के लोग को यह पता लगा कि शूद्र लोग बहुत नीचे हैं, दलित हैं, इसलिए हम लोगों को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है। धीरे धीरे ये अपना इनका जो है सो बढ़ता गया विचारधारा, लोग आते गए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सरस्वती की पूजा भारत ने पढ़ा लिखा जापान हुआ, लक्ष्मी की पूजा भारत ने अमेरिका क्यों धनवान हुआ, और विश्वकर्मा की पूजा भारत ने चाइना का विकसित विज्ञान हुआ। आज
सावित्री बाई फुले के जन्म दिवस पर हम तमाम सभी आए हुए सज्जनों को हम स्वागत करते हैं। और आज भागवर भगवान के नाम पर जो हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है कि दुनिया में भगवान ही सब कुछ है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी, आधा घंटा बचा तो जल्लाद ने कहा, भगत सिंह जी आपको आधा घंटे के बाद फांसी पड़ेगी, आप भगवान का एक घंटा आधा घंटा भजन कर लीजिए। भगत सिंह ने कहा, गॉड इज नथिंग, भगवान इस धरती पर नहीं है, अगर भगवान होता तो सबका मकान एक समान होता, न झोपड़ी होती न अट्टालिका होता। भगवान जो है एक घोसला है, भगवान चार शब्द बना है, भौ से भूमि, गौ से गर्मी, नौ से नीर, भौ से वायु, यही भगवान है। अगर आपको नाक हम दबा देते हैं तो सांस लेना बंद हो जाएगा, उस समय कोई भगवान आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। ये शरीर में पानी, ये भी भगवान है। जब आपके घर में किसी को डायरिया हो जाता है, पतला पैखाना, उल्टी, पेट में दर्द, किसी डॉक्टर यहाँ ले जाते हैं आप, वहाँ देखता है, पल्स रेट देखता है, उसका बीपी देखता है, कहता रीत मर जाएगा, इस देह में पानी की कमी है, तुरंत डॉक्टर पानी चढ़ाता है, और पानी चढ़ने के बाद वह ठीक हो जाता है, बोलने चलने लगता है। अब समझिए कि पानी नहीं चढ़ता तो मर जाता, तो भगवान कौन हुआ? ये पानी भगवान है। कि बच्चों भूख लगे तो रोटी की जरूरत है कि भगवान की जरूरत है? बोलो, रोटी की जरूरत है। अगर प्यास लगे तो पानी जरूरत है कि भगवान की जरूरत है? पानी की जरूरत है। अगर तुम्हारा दम घुटने लगे तो किस चीज की जरूरत है? वाह क्या कमाल, ऑक्सीजन जरूरत है। धन्यवाद, ताली बजा दीजिए इनके लिए एक बार। अगर तुमको कोई मारने के लिए दुश्मन आ रहा है लाठी से, तो कैसे बचोगे? वाह वाह वाह, उसका मुकाबला करके, अच्छी बात है। अगर बीमार पड़ जाते हो तो हनुमान जी के यहाँ मंदिर में जाना है कि डॉक्टर यहाँ? डॉक्टर ही बचाएगा ना, अच्छी बात है। ये बताओ कि तुमको डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनना है, मास्टर बनना है, तो मंदिर में जाओगे कि स्कूल में जाओगे? स्कूल से डॉक्टर इंजीनियर होगा ना, अच्छा अच्छा ठीक, अच्छी बात है। ये बताओ कि तुमको नेता बनना है, MLA MP बनना है, तब कहाँ जाना है? भगवान के यहाँ। तब गांव में जाना है वोट मांगने के लिए, तो वोट से आप नेता बन सकते हैं? नहीं। अगर तुमको पैसे की जरूरत है, धन की जरूरत है, पैसा कमी है, तब क्या करोगे? तब हाँ, पैसा के लिए कमाने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, तब पैसा होगा। तो इस ढंग से आज के विज्ञान के युग में कोई भगवान नहीं है। देखो ये हमारे पास में, ये क्या है? ये आज के भगवान यही है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हम रास्ता भूल गए हैं चार चक्का गाड़ी से, उस समय अगर आपके पास मोबाइल है तो ये बताएगा आपको कि कैसे जाना है रास्ता। और रास्ता में हनुमान जी की मूर्ति मिल जाएगा, पूछेंगे हनुमान जी हमको रास्ता बताइए, तो बताएगा वो? क्यों नहीं बताएगा? उद्भिद भगवान है। कौन सा भगवान है? वो पत्थर का भगवान है नहीं? कौन सी का भगवान है? वो पत्थर का भगवान है नहीं? उसमें पंडित जी प्राण प्रतिष्ठा दिए हैं, उसमें प्राण है, पत्थर में प्राण नहीं रहता है? नहीं। ठीक है, रास्ता दिखाने के लिए मोबाइल ही सही है। आज देख रहे हैं आपको पैसा की जरूरत है तो मोबाइल से मोबाइल ट्रांसफर पैसा हो जाता है, इसमें
अगर कहीं बिजली खत्म है इसमें, रिचार्ज खत्म है, तब नहीं हो पाएगा, दीद मुर्दा है किसी। तो उसी ढंग से हनुमान जी जितना देवता सब रोड साइड में है सब मुर्दा है। मुर्दा है कि नहीं है? अगर माँ को नमस्कार करती हो तो माँ क्या कहती है? खुश रहो बेटी, आए करती है कि नहीं? लेकिन हनुमान जी की मूर्ति के पास में जाते हो और कहोगे हनुमान जी प्रणाम, तो क्या कहेंगे वो? कुछ नहीं कहेंगे, जोर से बोलो, कुछ नहीं। क्योंकि वो गोंग है ना, मुंह नहीं है उनको, है ना, मुंह नहीं है उनको, नहीं। अच्छा, हनुमान जी के लड्डू खिलाते हो तो लड्डू खाते हैं? नहीं, नहीं खाते हैं ना, अच्छा। उल्टे तुमको दे देते हैं ना, अच्छा अच्छा ठीक है। तो हनुमान जी का रोज उनका सुरक्षा करते हैं, रोज नहाते हैं। हनुमान जी नहाते हैं अपने से, कुआं पर जाते हैं नहाने के लिए? कोई कोई उनको नहाता है? कोई नहाता है ना? तब उनको कोई शक्ति नहीं है अपने में, तो दूसरा आदमी ही मदद करता है उनको। इसलिए भगवान को तुम लोग मानना बंद कर दो क्या? तुम्हारे माता पिता ही भगवान हैं, बोलो, तुम्हारे माता पिता भगवान हैं? अच्छा अच्छा ठीक है। तो माँ से कुछ मांगती हो, माँ खाना दो, भूख लगी है तो माँ खाना देती है? और देवता स्थान पर जाते हो उनको कहते हो भूख लगी है कुछ खिलाइए, तो क्या बोलते हैं वो? नहीं, उन्हीं को तुम ही लोग खाना खिलाती है, नहीं। ये बताओ बच्चे, जिस भगवान को हम लोग बनाते हैं, अरे दुर्गा माई कौन बनाता है? हम ही लोग बनाते हैं। तो हम जिसको हम बनाए हैं वो हमको क्या देगा? कुछ देगा? इसलिए भगवान कुछ नहीं है, सब कुछ इंसान ही है और सब कुछ विज्ञान है। पत्थर रख देवता लड्डू खाई रे, देवता ही ले न डोले। गाओ तुम लोग भी। पत्थर रख देवता लड्डू खाई रे, देवता ही ले न डोले। नहीं गाएगी कोई? नहीं। पत्थर रख देवता लड्डू खाई रे, देवता ही ले न डोले। लड्डू भी खा ले पेड़ा भी खा ले, बोलो, लड्डू भी खा ले पेड़ा भी खा ले, देवता ही ले न डोले। पत्थर रख देवता लड्डू खाई रे, देवता ही ले न डोले। देवता को तुम्हारी माँ खीर पूरी खिलाती है, लेकिन चोर आता है तो कभी भी वो हल्ला नहीं करता है। सपना ने भी, मैं भी तुम्हारी माँ को नहीं कहेगा कुत्ता कि चोर आया है, लेकिन जिसको तुम जूठा खिलाती हो कुत्ता को, कोई आ गया तो हल्ला करेगा। हल्ला करता है तुम्हारी माँ पिताजी समझ जाते हैं कि कोई चोर आया है। तो जिंदा भगवान का हम लोग पूजा करेंगे, मुर्दा भगवान को नहीं, ठीक है? ऐसे खाते हैं, वास्तव में लगता है ये वास्तव में भगत है, झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, हमको लगता है सही में भगत है। जल्दी आपको खा जाता है, देखिए आप ध्यान देंगे, देखिए तुम देखिए भाई, थोड़ा ताली बजा दीजिए, जोरदार ताली।